बाय गाय, बाय गाय, बाय बाय, क्या तो बाय बाय, छुट्टे कितना मारता पाया, चलो बेबी चलो बाय। Morning, everybody. Good morning, everybody. तो सारे उम्मीद कर दिया कि तो सब बिल्कुल ठीक ठाक हो गए। वैसे भी आते बिल्कुल ठीक है, नहीं बिल्कुल ठीक नहीं है। आरा हले भी करे है रात नू, आरा स्टॉप इट, आरा नू रात नू पता नहीं की होया, आई मेरे को ना रोंदी रोंदी कमरे में 10:30 बजे, मम्मा माई ईयर इज हर्टिंग। ते फिर मैंने पैनाडोल वगैरह देख के फिर दोबारा सवाया, जो उठी आरा बिल्कुल चंगी भली उठी है, हुण कुछ नहीं हो रहा। आरा तू स्कूल ना जाने वास्ते बहाने तो नहीं लाती है? स्कूल ना जाने वास्ते बहाने तो नहीं लाती? डू यू लाई अबाउट इट? योर पेन? नो, इट वाज एक्चुअली ट्रू। ओके, सो अज इन मनप्रीत डॉक्टर को लेके जाएंगे, दिखाएंगे। या इवन इफ इट इज फीलिंग बेटर, वी हैव टू गेट इट चेक्ड। Why was your ear hurting? ते डॉक्टर ने कहा कि फ्लू वैक्सीनेशन सानू लगवा लेनी चाहिए है, बिकॉज इन्नी ज़्यादा इस बारी बैक टू बैक बीमार हुई जा रहे हैं। तो डॉक्टर ने कहा कि इट्स बैटर कि फ्लू शॉट तुसी लगवा लो। असी तो लगवा लेंगे, मेन आरा दा है, बिकॉज आरा दी हुने कोविड वैक्सीनेशन हुई सी। आई एम नॉट श्योर कि उहदे विच थोड़ा किसी होर वैक्सीनेशन वास्ते गैप देना जरूरी है या नहीं। तो टाइम हो रहा है हूँ 11 बज रहे हैं, साढ़े ऑफिस में चल रहा है कोई टैक इशू, इस करके मैं काम नहीं कर पा रही हूँ। लॉकडाउन आ, कोई भी काम नहीं कर पा रहा ऑफिस का कोई भी बंदा। सो मैं की कर रही हूँ, उन्नी देर मैं सोचा कि तुफे हुए इन्ने सारे कपड़े पए हैं वो जोड़ दिनी हाँ, आरा मेरी थोड़ी थोड़ी हेल्प करा रही है। अज रबा जी अपन इकट्ठिया आकर रखती तो बड़ा काम कराता इन्हें मेरे न। ते नाल हुन मैं सोच रही हूँ कि होर कपड़े भी नाल धोने पाव ताकि वो भी सुकन की कगार च आन, क्योंकि अजकल बहुत अच्छी धुप निकली हुई है। यू कैन टेल कितनी अच्छी धुप निकली हुई है। थोड़े दिन बाद फिर आई थिंक मीह मूह ना पैना शुरू हो जाए, कोई भरोसा नहीं, तो इस करके मैं सोच रही हूँ कि अज ही मैं कपड़े धो के सुकने पा दा ताकि वह धुप्प सुक जा। चलो लेट्स get the day started. So जी कपड़े का एक लॉट लग चुका है, आई थिंक एक ही लगेगा क्योंकि 11 बज रहे हैं, सानू जल्दी डाउन आंदा। मम्मी तुम इतने क्यों बैठे हो? Why are you sitting here and walking? जाऊंगा just the in and out हो रहा है बच्चे करके, start working early, उस तो बाद फिर drop करके आना, हम थोड़ी देर बाद lunch break तो gym चले जाऊंगा। You want to say hi? बाद वापस आके। Do you want to say hi? Hello. Hi. चप्पल भी अपनी नहीं पाई हुई, मेरी चप्पल की आवाज ही इस करके इन्नी ज्यादा आ रही है, मनप्रीत की चप्पल पाई हुई है, इट्स सो बिग। ਸਾਡੇ ਟੈਕੂਸ਼ ਨੂੰ ਤਾਂ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕਿੰਨਾ ਟਾਈਮ ਲੱਗਣਾ, ਮੈਂ ਸੋਚ ਰਹੀ ਹਾਂ ਮੈਂ ਚਾਹ ਬਣਾ ਕੇ ਪੀ ਲਾਂ। ਮੰਮੀ ਚਾਹ ਪੀਣੀ ਆ? जिंदर चाह बनेगी नाल मैं तो थोड़ी किचन चो भांडे वगैरह भी सौंप दूंगी। टाइम हो रहा हूँ 2, मेरा ऑफिस का जो टेक इशू से हाल तक रिजॉल्व नहीं होया, सो आई एम डूइंग सम स्टडिंग, वैसे ही अपनी थोड़ी नॉलेज वधाने वास्ते। एंड व्हाट इज आरा डूइंग?
What is Ara doing? Ara is really not doing anything interesting. मेरे कपड़े तो मेरे फोन की मैमरी का पंगा फिर शुरू हो गया. सो मैं कह रही थी कि मैं कपड़े होर धोने नहीं पाए बिकॉज फिर जगह खत्म हो जाती है तो धुप भी जल्दी चली जाती है, कपड़े नहीं सुकते. आरा नू थोड़ी देर तक लंच देवांगी. हर बार मौसम इन्ना अच्छा है, मेरा मन कर रहा है कि मैं वॉक कर जावा बट बिकॉज टैक इशू चल रहा ना, मैं इदा लग रहा है कि मेरे मैनेजर को इदा ना लगे कि मैं होर काम करी जा रही हूँ. सो इस करके मैं कंप्यूटर के अगे बैठी हाँ कि जो भी किसी का कोई भी मैसेज आए आई एटलीस्ट रिस्पोंड टू इट. और दोनों ने तुसी बड़े सेम सेम कपड़े पाए हुए हैं, वाइट एंड ब्लैक, वाइट एंड ब्लैक. सो जी टाइम हो रहा है शाम का, तो 7:45 बच्चों का डिनर का टाइम हो गया. मैं थोड़े जे भांडे धो रही हूँ, बच्चों वास्ते रोटी बनाती है, मनप्रीत खाना खा रही है, खुआन लगे हैं. मेरी तो मनप्रीत की दोनों की तबीयत थोड़ी ठीक नहीं है, आरा भी थोड़ा बीमार हो रही है, इस करके आरा भी करे सी जो ज़्यादा स्कूल शुरू होया वो एक बार भी स्कूल नहीं गई है. बस यही है कि मौसम यही खत्म हो फटाफट. ओके जी टाइम हो रहा है 8:30, असी अज का दिन करन लगे रैप अप. बच्चे बीमार है, एडल्ट बीमार है, सारे जने बीमार है. फिर तो एक बार सानता ना जो कोविड होया ना उदो तक असी प्रॉपरली रिकवर ही नहीं हो पा रहे हैं. उदों का इदा ही कोई ना कोई फ्लू कोल्ड गला खराब कुछ ना चली जा रहा है. सो इट्स ओके, पार्ट ऑफ लाइफ है ना सिकनेस. बट कुछ इतने फ्लू वाला वैदर भी चलिया हुआ वो करके भी कुछ आप इदा होए हुए हैं. एक बार सर्दियाँ ठीक हो जाएगियाँ तो फिंगर्स क्रॉस्ड विल बी ऑल फाइन, सर्दियाँ वाला मौसम खत्म हो जाएगा. तो चलो जी हम तुम मिलते हैं कल. सारे जने अपने बहुत बहुत ख्याल रखना. टेक केयर, गुड नाइट, आई लव यू ऑल एंड थैंक यू फॉर सपोर्टिंग.